ओलंपिक्स। हाँ हु वॉज द फर्स्ट फीमेल इंडियन गोल्फर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक 2020। आपको बताना है 2020 टोक्यो ओलंपिक के अंदर पहली कौन सी फीमेल इंडियन जो गोल्फर थी जिन्होंने क्वालिफाई किया था। 30 सेकेंड्स। अगर नहीं पता है तो पास बोल दो बस। हाँ ठीक है, पास बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइम टीम बी सी डी डी ई बेटा इतना टाइम नहीं मिलेगा, मैंने पहले बताया था। पास राउंड है, पहले से सोच के रखो। ठीक है, अब बताओ बोलना है, बोल दो बस फटाफट से, टाइम नहीं लगाना। नेक्स्ट 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 आदिति अशोक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ग्रुप बी टीम बी हु आर द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक। पहला भारतीय फेंसर बताइए जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अगर नहीं आता तो बेटा पास बोल देना, आपको आता है तो सोच लो। पास नेक्स्ट इज डी ई एफ जी एच ए नहीं दिस इज आंसर भवानी देवी टीम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम सी, जीरो कर दो सर टीम बी के। राउंड पे आपने टू ली है क्या, यहाँ वन नहीं आना चाहिए, आगे आगे आगे। हाँ जी राउंड वन है ये, और प्लस फाइव, जैसे कि अगर वो क्वेश्चन हमारा होगा पास तो वहाँ प्लस फाइव हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, यहाँ वन से काउंटिंग कर दो जी ये। कोई नहीं, एक बार इस पे टू लिख दो, आगे चला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम सी। हु वॉज द ओनली ब्रॉन्ज मेडल विनर इन बॉक्सिंग एट टोक्यो ओलंपिक फ्रॉम इंडिया। भारत की तरफ से सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल जो है जीतने वाले बॉक्सिंग में कौन है। अभी टोक्यो ओलंपिक्स में जिसने लिया लवली नाथ सिंह कहा है आपने। ठीक है यस, टीम सी राइट आंसर इज लवलीना बोरगोहेन। 10 मार्क्स टू टीम सी। आप अगली बार ध्यान रखेंगे, ये फर्स्ट चांस था, आपका पूरा नाम बोलेंगे जो रियल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन टू टीम डी। हु वाज द ओनली इंडियन वुमेन टू विन टू ओलंपिक मेडल्स। एकमात्र भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक के अंदर दो मेडल जीते हैं। टीम डी पी वी संधु। 10 मार्क्स टू टीम डी। यस नाउ टीम ई। एट विच ऑफ द फ्लोइंग ओलंपिक्स गेम्स द ओलंपिक फ्लेम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। पहली बार जो ओलंपिक्स गेम्स के अंदर जो है ओलंपिक की ज्वाला जो है कहाँ इंट्रोड्यूस की गई। कौन से गेम है आपने बताना है। ईयर या नाम दोनों में से कोई एक बता दोगे तो भी चल जाएगा। जगह का नाम या ईयर कोई भी बता सकते हो। नहीं आता तो बेटा आप पास कर दो। अब अभी रुको, इनको पास तो बोले ना। टीम ई का है क्वेश्चन, टीम ई का है पास। हाँ जी हाँ जी नो सॉरी जी। नेक्स्ट नेक्स्ट ए टीम बी सी डी एथेंस सॉरी रॉन्ग आंसर।
द राइट आंसर इज इन 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है. टीम एफ हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स आधुनिक ओलंपिक के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं. नेक्स्ट एच टीम ए बी सी डी सर जीजस सॉरी नहीं जीरो मार्क्स कर दो पियरे डी कुबर्टेन. पियरे डी कुबर्टेन. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम जी. इन द इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी देर आर ओनली टू ऑफिशियल लैंग्वेज दे आर कौन कौन सी दो लैंग्वेज है जो ऑफिशियल है. ऑफिशियल भाषाओं के नाम बताने बेटा दो हैं दोनों नाम बताने पे ही सही आंसर मिलेगा. नहीं पता तो बेटा पास इंग्लिश और इंग्लिश और फ्रेंच ठीक है. द राइट आंसर इज इंग्लिश एंड फ्रेंच. 10 मार्क्स टू टीम जी. राउंड फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये. टीम एच द मोटो ऑफ द टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 इज 2020 और 2021 एक ही बात है बेटा कंफ्यूज मत होना. टोक्यो गेम्स की बात कर रहे हैं जो अभी हुए हैं रिसेंटली ठीक है. होने थे 20 में हुए हैं 21 में पर लिखते हैं ऐसे. इनका मोटो बता दो आप टोक्यो ओलंपिक्स का मोटो क्या है. बेटा जल्दी. हाँ प्रॉपरली नहीं पता